वेलकम बैक समाचारों में आगे बात करिए। अमदावाद में पीएसआई नो रिपोर्ट पॉजिटिव आयो है। गाटलोडिया ना पीएसआई संक्रमित थया छे। पीआई सहित नो स्टाफ होम क्वारंटाइन करवामां आव्यो छे। गाटलोडिया विस्तार की आ घटना है। अमदावाद में एक पीएसआई नो रिपोर्ट पॉजिटिव आयो है। गाटलोडिया विस्तार में पीएसआई फरज बजावता था त्यारे तेओ पॉजिटिव आवता तेमना संपर्क में आवेल पीआई सहित कर्मचारी ने होम क्वारंटाइन करवामां आव्या छे। अमदावाद में फरज बजावी रहेल पुलिस कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित थया छे। गाटलोडिया विस्तार ना पीएसआई संक्रमित थया छे। तेमना विस्तार ना पीआई सहित ना स्टाफ ने होम क्वारंटाइन करवामां आव्यो छे। फरज दरमियान तेओ जेमना पण संपर्क में आव्या हता तेमने पण होम क्वारंटाइन करवामां आव्या छे। भावनगर में शहर उपरांत ग्राम्य विस्तार में वधु एक केस नोंधायो छे। भावनगर ना फरियादका गाम में 7 वर्षीय बालक संक्रमित थयो छे। भावनगर जिला में कोरोना नो केर वधी रह्यो छे। गईकाले पण केस वधी अने 107 थया हता त्यारे आजे भावनगर जिला ना हवे ग्राम्य विस्तार में पण केस नोंधाई रह्या छे। फरियादका गाम में 7 वर्षीय बालक कोरोना वायरस थी संक्रमित थयो छे। भावनगर शहर उपरांत ग्राम्य विस्तारों में पण कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या वधती जा रही है। तो बीजी तरफ श्रमिकों पोताना वतन जा रहा है तरह सूरत थी आज 16 श्रमिक ट्रेन रवाना थशे। उत्तर प्रदेश माटे 11 ट्रेन रवाना थशे। बिहार झारखंड माटे 2 ट्रेन रवाना थशे। उत्तराखंड माटे 1 ट्रेन रवाना थशे। वावाजोड़ा ने पगले ओडिशा सरकारे ट्रेन रद्द करी छे। माटे ओडिशा ट्रेन नहीं जाए परंतु उत्तर प्रदेश बिहार अने झारखंड माटे ट्रेन आज सूरत थी रवाना थशे। वावाजोड़ा की आगाही ने पगले ओडिशा सरकारे ट्रेन रद्द करी छे। तो लॉकडाउन 3 नो आज अंतिम दिवस छे। हवे लॉकडाउन 4 नी जाहेरात थशे। नवा रूपरंग में लॉकडाउन 4 हशे जेना विषे आज जाहेरात थई शके छे। तो 17मी तारीख बाद थी शुं बदलाव आवशे न्यूज 18 गुजराती आपने तमाम अपडेट दिवसभर बतावशे। आवती काल एटले के 18 तारीख थी लॉकडाउन 4 लागू थशे जेना नीति नियमों बदलाया हशे। कई कई वस्तुओं खुली रहेशे केटली छूटछाट मळशे के पछी वधु पाबंदीओ लागशे तमाम अपडेट न्यूज 18 गुजराती पर आपने दिवसभर बतावीशुं। तो आज से राज्य में अनाज वितरण पण शुरू थशे। 68 लाख अंत्योदय एनएफएसए परिवार ने वितरण थशे। मे मासना अनाज वितरण नो प्रारंभ थशे। अमदावाद सिवाय एनएफएसए लाभार्थियों ने वितरण करवामां आवशे। राज्य में 66 लाख एनएफएसए लाभार्थियों छे अने 3,80,000 अंत्योदय परिवारों छे जेमने अनाज नो वितरण करवामां आवशे। कोरोना मुक्त थवा जई रहेल वलसाड जिला में कोरोना ना बीजा 2 पॉजिटिव केस नोंधाता तंत्र दौड़तू थई गयुं। वलसाड जिला ना वापीना मध्य में आवेल गोदाल नगर ना एक 18 वर्षीय युवक नो रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो। वापीना कोविड हॉस्पिटल ना लैब टेक्निशियन नो रिपोर्ट पण पॉजिटिव आव्यो। आरोग्य विभाग अने वलसाड जिला नुं तंत्र दौड़तू थयुं। महत्वपूर्ण छे के वलसाड जिला में अत्यार सुधी मात्र 6 पॉजिटिव केस हता जेमांथी 1 नुं मौत थई चुक्युं हतुं ज्यारे 4 केस कोरोना मुक्त थता तेमने हॉस्पिटल माथी रजा आपवामां आवी हती। तो गुजरात में गईकाले 273 लोगों ने डिस्चार्ज करवामां आव्या छे। 43 लोग वेंटिलेटर पर छे। 24 कलाक में 19 दर्दी ना मौत थया छे। नवा 348 केस नोंधाया छे। अत्यार सुधी 1,38,000 टेस्ट थया छे। तो अमदावाद में 264 केस नोंधाया। वडोदरा में 19, सूरत में 34 पॉजिटिव केस नोंधाया। राजकोट में 1, भावनगर में 4, गांधीनगर में 6 केस नोंधाया। पाटण में 3, पंचमहाल में 1, महेसाणा में 2 केस नोंधाया। दाहोद खेड़ा में 2 केस नोंधाया। 6 केस नोंधाया। जूनागढ़ में 1 केस नोंधायो। साबरकांठा में 3 अने वलसाड़ में 2 केस पॉजिटिव आव्या छे। अत्यार सुधीना जे कुल पॉजिटिव दर्दीनी संख्या आपणे जोईए तो एनी अंदर जे डिस्चार्ज थयेला छे 4,308 लोको छे के जे साजा थईने डिस्चार्ज थईने घरे पाछा जता रह्या छे। पछी जेने आपणे एक्टिव पेशंट्स कहीए जे ट्रीटमेंट हेठळ छे सारवार हेठळ छे એમાં 6,010 લોકો એવા છે કે જે બિલકુલ સ્ટેબલ છે એટલે કાં તો રૂમ એર પર છે અથવા તો સિમ્પલ ઓક્સિજન પર છે અને 46 એવા લોકો છે કે જે ક્રિટિકલ છે વેન્ટિલેટરી
केर ऊपर छे। कुल पॉजिटिव टेस्ट 10,989 તો કોરોના સંક્રમણના નિયંત્રણ માટે એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદ માટે ખાસ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। 10 વોર્ડના 160 સ્થળે યુદ્ધના ધોરણે કામ થશે। ધન્વંતરી રથ અને મોબાઈલ મેડિકલ વેન ફરશે। 15 દિવસ સુધી 40 ધન્વંતરી રથ ફરશે। સવારે 8 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી કવર કરાશે। તો દરેક પોઈન્ટ પર હોમિયોપેથી આયુર્વેદિક દવાનું વિતરણ કરાશે। શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓનું ટેસ્ટિંગ કરાશે। તાવના લક્ષણવાળાને દવા આપવામાં આવશે। શરદીના લક્ષણવાળાને દવા અપાશે। કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં ઘર આંગણે તપાસની સેવા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે। માટે હવે ઘરે બેઠા પણ લોકોની સારવાર થઈ શકશે। સામાન્ય શરદી તાવવાળા લોકોને પણ ઘર આંગણે દવા આપવામાં આવશે। સંજીવની રથ અને ધન્વંતરી રથ આ સમગ્ર સુવિધા પૂરી પાડશે। રાજકોટમાં શ્રમિકો રસ્તા પર ઉતર્યા। શાપર વિરાવળ પાસે ઘટના બની। શ્રમિકોએ ચક્કાજામ કર્યો, વાહનોમાં તોડફોડ કરી, કાચ તોડ્યા। પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યો। વતન જવાની માંગણી સાથે દેખાવો કરવામાં આવ્યા। સમાચારોમાં અત્યારે આટલું જ। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।